मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया भर के बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ वो इन्हीं वीओडी बैचेस से पढ़े। फरवरी में मैंने ऑनलाइन ही बैच किया था आपका, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना। मेरे मैथ्स में इतने नंबर आए हैं सर, उसका सही अगर किसी को जाता है तो वो आप हैं। वीओडी बैच लिए थे दोनों बैच, अर्थमेटिक का और एडवांस। मैथ्स के लिए मैंने स्टार्टिंग से ही राकेश यादव सर वो फॉलो किया है मेरी 10th क्लास के बाद से। जो आप वीओडी बैच परचेज कर रहे हैं उसमें और लाइव में बस इतना फर्क है कि वहां रोज क्लासें एक ही क्लास होती है, यहां आपको सारी क्लासें एक साथ मिल जाती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जिस सिस्टम से लाइव में क्लास चलती उसी सिस्टम से मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, आपको हर चैप्टर के बारे में पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा कि हम क्या क्या इस चैप्टर में कराने जा रहे हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। मैं अपनी तरफ से आपको सुझाव भी दूंगा कि आप जब पहली बार वीओडी परचेज कर रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको किस सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है सबसे पहले आपको कैलकुलेशन पढ़ना चाहिए, इसके बाद डेसिमल। जैसे मैं आपको डेसिमल बोल रहा हूं तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। सबसे पहला, पूरी रिकॉर्डेड वीडियो डेसिमल की। दूसरा, जो भी क्वेश्चन मैंने कराया उन क्वेश्चन की पीडीएफ। तीसरा, उन क्वेश्चन की बोर्ड पे जो मैंने काम कराया हुआ वो पीडीएफ। चौथा, जो हैंड रिटन क्लास नोट्स है वो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इन क्लास नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और प्रिंट आउट निकाल के जैसे जैसे आप प्रिंट आउट से पढ़ते जा रहे हैं उसी वीडियो को निकालिए और खटाखट 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 उस वीडियो को अपनी अकॉर्डिंग एक्स स्पीड पे, 2x स्पीड पे, 1.5x स्पीड पे, 3x स्पीड पे, जैसे आप स्पीड में खत्म करना चाहें वैसे उसे खत्म कर लीजिए। दूसरा, अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो मेरे क्लास नोट्स जो मैं आपको ये दे रहा हूं, ये हैंड रिटन क्लास नोट्स मार्केट में बाकायदा मिलते हैं, आप इन्हें चाहें तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं और परचेज करके अपने सामने रख के साथ साथ पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप और पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि सीधा सिर्फ और सिर्फ क्लास को देखा जाए, पूरी क्लास को कंप्लीट किया जाए, जब वो क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसके हैंड रिटन क्लास नोट से उसका तुरंत रिविजन किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से अपना सीक्वेंस रिपीट करूंगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन पढ़ना चाहिए, फिर डेसिमल, फिर नंबर ऑफ डिजिट, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फिर कंप्यूटर नंबर सिस्टम, फिर डिविजिबिलिटी, एपी, जीपी, एचपी, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, पावर स्टार्ट्स एंड डाइसेस, फ्रैक्शन, बोर्ड मास, सीरीज, कंपोनेंट, डिविडेंड। ये मेरे प्यारे बच्चों 16 चैप्टर ऐसे हैं, अगर आप इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी भी चैप्टर को समझने के लिए जो समझ की जरूरत है वो आप नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको डिजिटल सम, ईच एंड एवरीथिंग इन्हीं चैप्टरों के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है सीक्वेंस आपका होना चाहिए एल्जेब्रिक फार्मूला पढ़ने का, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका अरिथमेटिक में भी लगेगा, एडवांस में भी लगेगा, तो अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ये सारा मैं अरिथमेटिक का ही सीक्वेंस बता रहा हूँ। उसके बाद एल्जेब्रिक रिजल्ट होते हैं, फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, फिर मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये वो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों जो आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी आने वाले चैप्टर की समझ तैयार नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ये वो कॉमन चैप्टर हैं जो अरिथमेटिक में मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि हर एग्जाम में इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको परसेंटेज पढ़ना चाहिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, ये सब टाइम एंड वर्क के हिस्से हैं तीनों चैप्टर। फिर टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन, रेस, बोट एंड स्टीम, एवरेज, एवरेज स्पीड, एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमें जो कुछ चैप्टर नए जोड़े हैं एसएससी ने, जैसे प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता जिसे हम कहते हैं, प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, और स्टैट्स है, ये तीनों चैप्टर भी मैंने अरिथमेटिक की वीओडी में ही प्रोड्यूस किए हैं। और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों डीआई, क्योंकि डीआई एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हैं कुल मिला के आपके अरिथमेटिक के, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। आप पहले अरिथमेटिक खत्म करें, देन उसके बाद एडवांस तैयार करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एडवांस वीओडी की बात करूं तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना चाहिए, फिर क्वाड्रेंट्स रूल पढ़ना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, डिटेल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री है, फिर वैल्यू पुटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, फिर नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के, साइन का ग्राफ कहां से कहां तक जाता है, हर चीज का बेसिक जानना चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, फिर हाइट एंड डिस्टेंस। ये 7 चैप्टर मिलकर मेरे प्यारे बच्चों पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते हैं। उसके बाद आपका आता है लाइन एंड एंगल,
फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कोंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, साइन रूल एंड कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल, मास पॉइंट ज्योमेट्री, और फिर एक टाइप बनाई है मैंने मिक्सचर ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें ट्रायंगल्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। फिर 18वें नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना चाहिए, फिर पॉलीगन पढ़ना चाहिए, फिर सर्कल पढ़ना चाहिए, और उसके बाद फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सर्कल का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, वो फिर मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, एंड लास्टली मेरे प्यारे बच्चों आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी चाहिए, और इस तरीके से आपका पूरा अरिथमेटिक और एडवांस का सेक्शन कंप्लीट होता है। मैं आप सबको यही सुझाव देना चाहूंगा कि जिस सीक्वेंस में मैंने डाटा रखा है आप उसी सीक्वेंस में काम करें। दूसरी चीज, आप क्लास नोट्स मार्केट से मंगा लीजिए। जब वो क्लास नोट्स आपके पास आ जाए, अगर अवेलेबल मार्केट में नहीं है तो एक दो दिन बाद भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है जैसे ही आता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्लास नोट्स सामने रखिए, क्लास नोट्स के साथ साथ दो तीन पेन रखिए, दो तीन कलर के, क्योंकि मेरे सारे क्लास नोट्स कलरफुल होते हैं, उनमें सब में कलर प्रिंटिंग है, तो आप कलरफुल पेन रखिए और जो मेन मेन मुद्दे आप लिखना चाहते हैं वहाँ अपनी तरफ से उस क्लास नोट्स में ही लिख दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, ताकि कुछ बेसिक चीज़ आप आगे याद रखना चाहते हैं, और साथ साथ वीडियो के उसको लगातार जल्दी जल्दी से खत्म करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों इस VOD के साथ ही लाइव प्रैक्टिस बैच में आपको फ्री दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको फ्री मिलेगी। आप अपने क्लासेस को 2x स्पीड पे खत्म करिए, आप अपने सिलेबस को एक महीने में खत्म करिए, दो महीने में खत्म करिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खत्म करिए, और सबसे जरूरी चीज मेरे प्यारे बच्चों SSC के सिलेबस में कोई भी बदलाव आता है या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस में कोई भी बदलाव आता है तो नए क्वेश्चन आपको लाइव अपडेट कराए जाए। मेरे प्यारे बच्चों वेबसाइट पे 20% ऑफ है हर इन दोनों बैचों की फीस पे।